कि हमारी जो तहजीब है ये गंगा और जमुनी की तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब जो है गंगा और जमजम की तहजीब है। कि आज हिंदुस्तान में हमारे जो माहौल है, हिंदू मुस्लिम एकता को जो लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, इस इफ्तार में हिंदू मुस्लिम हमारे सारे यानी हिंदू भाई भी थे मुस्लिम भी थे। लोगों की सोच ही नहीं है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हमारे लोगों की सोच है सब एक है, सब आस पड़ोस में मिलके रहते हैं, सबका एक दूसरे से काम पड़ता है, सब काम करते हैं। ये बाजू में जो मंदिर है यहाँ के हमारे दोस्त है, ये आए हैं मौर्या साहब हैं, तो सब उसमें कोई नहीं, लोगों की एक सोच है, जिनको करना है वो अपने हिसाब से वो कुछ भी करेंगे। और यहाँ के तमाम आड़ोस पड़ोस के जो हिंदू है सब टोटल आए थे, और निहाल भाई जो है 2 साल कोरोना के जो गए हैं, 2 साल में निहाल भाई ने बहुत काम किया है नई बस्ती के अंदर। बहुत सारे लोगों ने अफ्तारी की, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हम यही चाहते हैं कि हर साल इस तरह का प्रोग्राम हो। लास्ट अलविदा जुमा है, उसमें प्रोग्राम रखा जाए तो जितने हमारे दोस्त हैं भाई हैं जो दूर रहते सालों मिल नहीं पाते महीनों मिल नहीं पाते हैं, तो एक प्रोग्राम में सब मिल जाएंगे और अफ्तारी की दावत होगी। बस ज़्यादा हाँ अड़ोस पड़ोस के हिसाब से सब थे कि अपने प्रोग्राम के हिसाब से मतलब मिलाप हो जाएगा सबका। देखिए हमारे लोगों की सोच ही नहीं है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, हमारे लोगों की सोच है सब एक है, सब आस पड़ोस में मिलके रहते हैं, सबका एक दूसरे से काम पड़ता है, सब काम करते हैं। ये बाजू में जो मंदिर है यहाँ के हमारे दोस्त हैं, ये आए हैं मौर्या साहब हैं, तो सब उसमें कोई नहीं, लोगों की एक सोच है, जिनको करना है वो अपने हिसाब से वो कुछ भी करेंगे। आज अलविदा जुमा का दिन था, तो ये जो इफ्तार की दावत थी ये सिर्फ खाने का मकसद नहीं था, खैर इफ्तार कराना तो ये बहुत बड़े सवाब का काम है, मगर फिर उसके साथ में एक नीयत और थी कि आज हिंदुस्तान में हमारे जो माहौल है, हिंदू मुस्लिम एकता को जो लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, इस इफ्तार में हिंदू मुस्लिम हमारे सारे यानी हिंदू भाई भी थे मुस्लिम भी थे, ये हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए इफ्तार की पार्टी हुई है, तो इसमें हमारे सारे भाई मौजूद थे। ये लोगों को दिखाना था जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का फसाद करते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाते, ये हिंदू मुस्लिम एकता दिखाना था, उसलिए ये इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था। इफ्तार जो अलविदा का जो कार्यक्रम है, मैं पूरी दुनिया के मानव समाज को मैं मुबारकबाद देता हूँ। रमज़ान का जो महीना है, एक ये जो है ये पावन महीना सिर्फ मुस्लिम का ही नहीं है। रमज़ान का मतलब होता है, रम का मतलब रमना होता है, जान का मतलब ध्यान होता है। अपने परवरदिगार या अपने अंदर उन्होंने जो अच्छाई बुराई की है एक महीने उसके ऊपर देखें और अपने इनकम के हिसाब से लोगों में दान दें। और हमारे निहाल भाई ने जो अभी कहा है कि हिंदू मुस्लिम की बात है, तो मैं पूरे भारत को बता दूँ, ऐसे जो 3% लोग इस देश में हैं जो फसाद करना चाहते हैं, जो इस देश में अभी शुरू कर दिया उन्होंने, कि हमारी जो तहजीब है ये गंगा और जमुनी की तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब जो है गंगा और जमजम की तहजीब है। और आज से 2000 साल पहले वो अरबिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, इराकिस्तान, पाकिस्तान, अरबिस्तान, तुर्किस्तान, हिंदुस्तान, ये सारे तान देश हमारे अपने थे और हमारे इस मुल्क का राज पूरे इस तान देश में था। तो हमारा जो ये जो तहजीब है ये गंगा और जमजम की तहजीब है। गंगा और जमजम की तहजीब में जो हमको इस मुल्क से, हमारे जो हलाल के खाने वाले लोग हैं इस मुल्क में, कुछ हराम के खाने वाले लोग हैं, हलाल और हराम की जो तहजीब है, ऐसे जो हलाल के जो हराम के खाने वाले लोग हैं, लड़ाई हलाल और हराम की है।
और जो हराम के लोग हैं वो इस देश में एक तफरका पैदा कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे 1-2% लोग हैं, जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको ख़त्म करने में इस मुल्क से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। निहाल भाई, लकड़ा मार्केट की तरफ से रखी गई थी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और यहाँ के तमाम अड़ोस पड़ोस के जो हिंदू है सब टोटल आए थे। और निहाल भाई जो है 2 साल कोरोना के जो गए हैं, 2 साल में निहाल भाई ने बहुत काम किया है नई बस्ती के अंदर। और निहाल भाई ने राशन, बेवाओं को कपड़ा, पैसा, लड़की, कमेटियाँ, टोटल लोगों के लिए निहाल भाई खड़े रहते हैं। और नई बस्ती के लिए निहाल भाई बहुत काम किए हैं, और ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देने के लिए आज का जो प्रोग्राम है ये रखा गया था। मेरी तरफ से ये 2 बात रख के खत्म। आज का इफ्तार का प्रोग्राम लकड़ा मार्केट और नई बस्ती के तमाम लोगों ने मिलजुल के किया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आपने देखा काफ़ी लोगों ने इफ्तार का प्रोग्राम के इफ्तार में आए, और बहुत सारे लोगों ने इफ्तारी की, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम यही चाहते हैं कि हर साल इस तरह का प्रोग्राम हो, और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हर साल ये करते रहें।